जब भी किसी महिला को प्रसव वेदना शुरू होती है, गधे को महसूस होता है, गधे बड़ा संवेदनशील है इस मामले में, तो बच्चा पैदा होने से पहले वहाँ आसपास में कोई गधा होता तो वो गधा जोर से चिल्लाए की आवाज करता है। जब भी देवकी की प्रसव वेदना होती रही तो कंस के दरबार में गधा जोर से बोलता, तो फिर कंस को पता चल गया कि अभी इसका बच्चा पैदा हो गया, आके उस सातों बच्चों को उन्होंने कर दिया था कि उनको पता चल गया गधे की आवाज़ से बच्चा पैदा हो गया। तो वसुदेव ने एक बार गधे को हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, इस बार देवकी जब जन्म देगी बच्चे को तो गधे महाराज आप बिल्कुल आवाज नहीं कर रही है, चुप रही है। वसुदेव के विनंती को गधे ने मान ली और चुप रहा, पता नहीं चला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ हंस नहीं आया उस वक्त, गधा तो बोला ही नहीं। पहरेदार सब सो गए, बच्चे को लेके गोकुल पहुंच गए और वापस जब वहां से आए सबसे पहले उन्होंने गधे को दंडवत नमस्कार किया, तुमने बचा लिया मेरे बेटे को। गधे भी बड़े संवेदनशील होते हैं, इसलिए असंवेदनशील व्यक्ति को तुम गधे हो बोलना भी एक गधे के लिए अपमान है।